मोदी सरकार के आज 7 वर्ष पूरे हो गए। ये ऐसा दौर है, चुनौती का दौर है, जब पूरा देश मौत से जंग लड़ रहा है। इस मौत की जंग के बीच में ये 7 वर्ष का दर्द बहुत खतरनाक है। 7 वर्ष में उम्मीद थी कि मोदी सरकार आएगी और देश में रोजगार की लाइन लग जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, कोई भी आदमी भूख से परेशान नहीं होगा, जिन मोदी जी ने नारा दिया था। अब आ रहे हैं अच्छे दिन, एक एक घर में 15 लाख रुपए पहुंचा दूंगा। नौजवानों चिंता मत करो, तुम्हें 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष मिलेंगे। और अब और नहीं होगी पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार लेकर आओ मोदी सरकार। मोदी सरकार आ गई और मोदी सरकार ने हमारे सपने तोड़ दिए, देश के सामने चुनौती खड़ी कर दी। मुझे बताओ दोस्तों, ऐसा कभी होता है धोखा कि आपने मनमोहन सिंह जी के टाइम पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी कि 31 रुपए 32 रुपए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर लगती थी 31 रुपए 32 रुपए, तो लगती है मोदी जी के टाइम पर। अब एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल पर 31 रुपए और 32 रुपए, और मनमोहन सिंह जी के टाइम पर थी 3 रुपए और 6 रुपए। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्रूड ऑयल महंगा था, लेकिन आज क्रूड ऑयल सस्ता है। लेकिन जब क्रूड ऑयल सस्ता है, तब मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 32 रुपए 33 रुपए करके, और पेट्रोल डीजल श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान इनसे भी महंगा कर दिया। अब पेट्रोल ने 100 रुपए का शतक पार कर दिया है। मोदी जी, आप ही ने नारा दिया था, हिंदुस्तान के नौजवान से कहा था, चिंता मत करो, रुपए की ताकत बढ़ेगी, आजादी के दिन याद दिलाऊंगा। 1 रुपए के बदले डॉलर कमजोर था और रुपया मजबूत था, आज वापस रुपया कमजोर हो गया और डॉलर मजबूत हो गया। मोदी जी, आप ही ने कहा था डॉलर गिरेगा, डॉलर गिरा नहीं, डॉलर बढ़ गया। आप झूठ बोलकर सत्ता में आ सकते हैं, आ गए आप, लेकिन बाद में काम करके दिखाते, आज आपको शर्म नहीं आती। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 18 से 44 वर्ग के वैक्सीन के पैसे दो। आज तक दुनिया में जवाहरलाल नेहरू और मोदी जी तक, चाहे पोलियो का टीका हो, किसी भी तरह का टीका हो, तपेदिक का, पोलियो का, कोई भी चेचक का, वो फ्री में लगता है जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक। मोदी जी, आपने तो कमाल कर दिया, 18 से 44 वर्ष के लोगों से वैक्सीन के पैसे मांग लिए, 3 रेट निर्धारित कर दिए, 150, 400, 600, और अब आप कह रहे हैं, जब राज्य सरकारों ने दुखी होकर कहा पैसे ले लो मोदी जी, वैक्सीन तो दे दो, अब आप कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है। शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को। लाइन में जाकर लोग जो बेचारे स्लॉट बुक होता है, ये हमने नहीं किया, वो जाकर लाइन में लगकर वैक्सीन लगाते हैं, तो बीजेपी के नेता जिनकी जमीन खिसक गई है, वो जाकर खड़े होकर नाटक करते हैं कि वैक्सीन नहीं लग रही है। कांग्रेस नहीं दे रही वैक्सीन, तो दिल्ली से आ रही है, बीजेपी अलॉट करती है, हम तो वैक्सीन के पैसे दे रहे हैं। पैसे ले लो, लेकिन वैक्सीन तो दो।